वेलकम टू दी चैनल एवरीवन। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि है वेजिटेबल चिला। ये बहुत सारे सब्जियों को मिलाकर बना है और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं ये हेल्दी चिला की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने देखिए कितनी सारी सब्जियां ली है, जो कि है कैरेट, कैप्सिकम, स्पिनच, अनियन, वीट रूट, टोमेटो और ग्रीन चिली। और कितनी क्वांटिटी ली है यहाँ भी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। और उसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप बेसन, 1/4 कप सूजी, 3 टेबल स्पून चावल का आटा। उसके बाद से सारी सब्जियों को हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने वीट रूट और गाजर को ग्रेट कर लिया था, बाकी चीज़ों को फाइनली चॉप्ड कर लिया है। और वीट रूट के कारण ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। फिर मैंने डाल दिया है दही। दही में डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। फिर हम लोग इन सब को मिक्स कर देंगे पहले। और थोड़ी थोड़ी पानी डाल के, टोटल मैंने 1/4 कप पानी लिया था, जितना ज़रूरत लगे उतना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये हो चुका है, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। अब चलिए हम लोग चीला बनाते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने डाला 1 टीस्पून ऑयल और इसे ब्रश के हेल्प से चारों तरफ में स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 स्पून जो जिससे मैंने मिक्स किया है, उसी से मैं 2 स्पून चीला पैन में डाल रही हूँ और इसे फैला दूंगी अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा पतला ना करे वरना इसे फ्लिप करने में ये टूट सकता है, इसलिए थोड़ा मोटा ही बनाना है इसे। तो इसे फैला दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने दे, लाइक 2 मिनट तक। उसके बाद मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। और चावल का आटा डालने से इसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस रहता है और दही डालने से ये सॉफ्ट होता है अंदर से। तो देखिए हमारा चीला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। तो देखिए कितना सुंदर, कलरफुल, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी का चीला भी बना लूंगी। ये अपने आप फैलता है, कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए इसकी। तो देखिए हमारा चीला कितने जल्दी बनकर तैयार हो गया है। इसे ग्रीन चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने बहुत बार बताया इसे कैसे बनाना है। तो ये है हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, जो कि सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में बनकर तैयार हो गया है। तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के मैं अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।